Hello, good morning, all of the students. This is H.K. Singh from Shantiniketan School. Today, we are going to study the nervous system. This is the chapter of Unit 2. हम लोग यूनिट सेकेंड का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और यूनिट सेकेंड का यह फर्स्ट चैप्टर है द नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन योर बुक. जस्ट यू सी द नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तंत्रिका जो तंत्र होता है मानव शरीर का, यह जो ना नियंत्रण मतलब इसको केंद्र माना जाता है. केंद्र मानव शरीर का ये मुख्य केंद्र माना जाता है. इसके अंतर्गत जो है ना कौन कौन पार्ट्स आते हैं, इसके अंतर्गत ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आता है और नर्व्स आते हैं. ये थ्री पार्ट्स जो है ना इसके अंदर सम्मिलित होता है. कंप्राइजेस का मतलब होता है इट कंप्राइजेस ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स. इसके जो है ना सम्मिलित होता है, इसके महत्वपूर्ण जो तीन पार्ट सम्मिलित होते हैं वो दिमाग हो गया, मेरुदंड हो गया और तंत्रिकाएं हो गए. द नर्वस सिस्टम इनेबल अस टू कैरी आउट एक्टिविटी सच एज ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग एंड मेमोराइजिंग एंड सो ऑन. द ये जो तंत्रिका जो तंत्र होता है यह योग होता है हमें जो भी द्वारा कैरी करने का क्रियाकलाप होता है. जैसे हम लोग जो कुछ अपने शरीर में सांस लेते हैं, पलक झपकना, याद रखना किसी चीज को, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो क्रियाकलाप हमारे शरीर में होते हैं, ये द जो सिस्टम होता है दिस इज बिलोंग टू द नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड. इसको जो है ना तंत्रिका तंत्र को जो है ना मुक्त दो भागों में विभक्त किया गया है. ये दो भाग कौन से हो गए, दो भाग हो गए द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दूसरा जो पार्ट्स हो गया द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वह उपकरणों वाला जो ना तंत्रिका तंत्र. सब जगह स्टार्ट करते हैं द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन पार्ट्स आते हैं, तो ब्रेन आता है, सेरू विरम आता है, सुरबेला और मेडुला आते हैं. द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये जो दिमाग जो होता है और मेरुदंड होता है यह तंत्रिका तंत्र का केंद्र माना जाता है. द ब्रेन गेट्स इंफॉर्मेशन. ब्रेन क्या करता है, इंफॉर्मेशन तो सूचना को लेता है और यह जो है ना हमारे शरीर के अन्य भागों में यह भेजता है, जिसके जरिए सेंड आउट इंटू तंत्रिका तंत्र के माध्यम के द्वारा ये वेसने का काम करता है. द ब्रेन कॉम्युनिकेट्स विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कोड एंड द नर्वस. ब्रेन क्या करता है, यह संचार पहुंचाने का काम करता है. जो भी हम लोग के शरीर में जो रेस्ट पार्ट है, बाकी वाला जो हिस्सा है, वो किसकी मदद से, तंत्रिका और मेरुदंड की मदद से ये बाकी मैसेज को भेजने का काम करते हैं. द नर्वस द ब्रेन इज मेड ऑफ. ब्रेन जो बना हुआ रहता है क्या कौन कौन पार्ट से, द ब्रेन इज मेड ऑफ थ्री पार्ट्स. ब्रेन जो ना तीन पार्टों से मिलकर बना होता है, सेरुब्रम सेरुबेलम एंड मेडुला. मेडुला को बोला जाता है ब्रेन स्टीम के नाम से जाना जाता है. सेरुब्रम द सेरुब्रम और शुरू में बताया गया है ब्रेन इज द सेंटर ऑफ कंट्रोल. यह जो है कंट्रोल, इसको कंट्रोल ब्रेन हम लोग के मानव शरीर का यह केंद्र माना जाता है. इसको इट कंट्रोल और होल बॉडी, पूरे शरीर को जो ना हमारे होल बॉडी को नियंत्रित करने का काम. जो भी मैसेज को भेजा जाए या रिसीव मैसेज प्राप्त करते हैं, यह जो है किसके माध्यम से हो पाता है, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के माध्यम से, तंत्रिकाएं के माध्यम से होता है. और यह ब्रेन के जो पार्ट्स हो गए सेरुब्रम और सेरुबेलम और मेडुला, एक पार्ट्स होता है. यह सेरुब्रम क्या होता है,
The cerebrum is the largest part of the human brain. मतलब मानव के शरीर का यह सबसे बड़ा जो ना भाग होता है. इट मेन फंक्शन, इसके अंतर्गत जो है ना क्यों कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, सेरुब्रम का कार्य क्या है. तो ये इसके प्लानिंग, जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं किसी काम को करने के लिए योजना बनाते हैं, यह जो हमारे ये इसी मस्तिष्क के कारण, सेरुब्रम मस्तिष्क के कारण यह संभव हो पाता है. इसी द्वारा प्लानिंग को, जैसे कोई चीज को प्लानिंग बनाए कैसे करना है, उस प्लानिंग को हम लोग लिख पाते हैं, कोई विचार करते हैं, सोचते हैं, कोई से तार्किक द्वारा योजनाओं को अपने मन से विचारते हैं. यहाँ तक कि कोई भी हम लोग के लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं को सुलझाने में भी सेरुब्रम मदद करता है. यहाँ तक कि मोमेंटम, जो भी गति करते हैं उसमें फीलिंग इमोशन, जो भी भाव को हम लोग व्यक्तित करते हैं ये सेरुब्रम के माध्यम से हो पाता है. कैरिंग आउट एक्टिविटी, रिमेम्बरिंग, कोई बोलते हैं, कोई चीज याद रखते हैं, ये सारे जो है एक्टिविटी जो होने का काम करता है सेरुब्रम. यानी कि इसको मस्तिष्क का ऊपरी भाग माना जाता है, या ऊपर वाला पहला पार्ट माना जाता है, मस्तिष्क का ऊपर वाला भाग माना जाता है सेरुब्रम. द सेरुब्रम हैज टू पार्ट्स, इसके दो भाग किए गए, सेरुब्रम के दो पार्ट्स किए गए हैं. दो पार्ट्स में, इसमें साइंटिस्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों का यह मत है, विश्वास है कि जो ना द राइट जो पार्ट होता है सेरुब्रम का, यह जो अबाउट एब्स्ट्रैक्ट सच, ये हमें क्या बताता है, राइट हाफ हेल्प अस थिंक, सोचने में मदद करता है, हमें सोचने में मदद करता है. सच है, यहाँ तक इसके अंतर्गत जनरली संगीत, कलर्स और आकाश आते हैं. वाइल द लेफ्ट जो बाया वाला जो है मदद करता है मैथ वगैरह, मतलब गणितीय अंकीय द्वारा तार्किक विषय को जो है बनाने में, सॉल्व करने में और स्पीच भाषण वगैरह देने में. इट इज वेल नोन दैट द राइट हाफ ऑफ द सेरुब्रम, मतलब ये अच्छी तरह से जाना जाता है, जो दाहिना वाला जो आधा पार्ट होता है सेरुब्रम का, ये कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. बॉडी के जो बाए वाले जो दिमाग होते हैं सेरुब्रम वाला, उसको भी कंट्रोल करने का काम, द लेफ्ट कंट्रोल द राइट साइड, मतलब यह दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करने का काम करता है. यानी कि सेरुब्रम के दो पार्ट्स तो किए गए हैं, राइट पार्ट्स और लेफ्ट पार्ट, ये दोनों पार्ट्स जो है एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं. इसी वजह से हम लोग कोई भी प्लानिंग करते हैं, सोच पाते हैं, किसी चीज को याद रख सकते हैं, कोई इमोशन फीलिंग कर सकते हैं, या जो मैथमेटिकल सवाल को सोल्व करने में आसान, यानी कि जीवन की जो भी जो ना समस्या हो उसको सुलझाने में जो ना कौन सा मस्तिष्क काम करता है, सेरुब्रम, यानी कि हमारा बाहरी, जिसको ऊपरी मस्तिष्क का ऊपर वाला पार्ट इसको बोला जाता है. सेकेंड जो पार्ट हो गया से, यह जो ना एक जो फैक्टास्टिक में दिया हुआ है कि हमारे जो दिमाग है उसका 85% जो भाग जो होता है ना, यह जो ना सेरुब्रम का होता है. बाकी जो ना 15% जो भाग है सेरुवेलम हो गया और मेडुला का होता है, यानी सेरुब्रम का जो हिस्सा होता है 85% होता है. सेरुवेलम के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको अनुमस्तिका पिंड बोला जाता है. सेरुवेलम का मतलब होता है अनुमस्तिका पिंड. द सेरु दिस इज पार्ट ऑफ ब्रेन, इसका यहां यानी कि यह जो ब्रेन का जो ना पार्ट होता है, इसका आकार कैसा होता है, यह जस्ट जो है ना सेरुब्रम के नीचे होता है. सेरुब्रम के जस्ट नीचे सेरुवेलम होता है, जिसका आकार अंडे के आकार का होता है. स्ट्रक्चर सेरुवेलम परफॉर्म फंक्शन, इसके अंतर्गत कौन कौन से फंक्शन इंक्लूड होते हैं, मतलब कौन कौन से फंक्शन इंक्लूड होते हैं इसके अंतर्गत, सच है रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, जो भी हम
नियमित रूप से करते हैं और सामंजस्य स्थापित करते हैं अपने गतियों को, यहाँ तक कि अपने शरीर को संतुलित रख करना, सीधे खड़ा होना, यह जो है ना सेरु वेलम के मतलब अनुमस्तिका पिंड के माध्यम से हो पाता है। इट टेल्स, यह हमें बताता है हाउ टू वर्क ऑल द मसल्स टुगेदर, यह हमें बताता है कैसे जो है ना सभी काम जो है ना और एक साथ हमारे मांसपेशियों को सभी काम को करने के लिए प्रेरित करता है। इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, यह जो ना स्थित होता है ब्रेन के पीछे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल ब्रेन, यानी कि यह लिटिल को बोला जाता है और सेरु ब्रह्म को लार्जेस्ट ब्रेन बोला जाता है और सेरी वेलम को लिटिल ब्रेन के नाम से जाना जाता है। बिकॉज इट इज ओनली वन एट द साइज ऑफ द सेरु ब्रह्म, मतलब इसका एक बटा आठ हिस्सा होता है। थर्स तो हो गया ब्रेन का जो पार्ट होता है मेडुला, मेडुला को हम लोग हिंदी, इसका हिंदी क्या होता है आस्था, जिसको मजा बोला जाता है, इसको मेडुला को हम लोग ब्रेन स्टीम भी बोला जाता है। द मेडुला ओब्लोंगाटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विटल लाइफ फंक्शन सच एज ब्रीथिंग, डाइजेस्टिंग फूड एंड ब्लड सर्कुलेशन, जो भी हम शरीर में मानव के शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है और पाचन क्रिया होता है, सांस की क्रिया जो होती है, यह जो ना मेडुला के माध्यम से हो पाता है, इसीलिए इसको ब्रेन स्टीम कहते हैं। इट कंट्रोल द रेस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, यह जो ना कनेक्ट रहता है, यह जो ना कनेक्ट रहता है किससे, इट कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द ब्रेन, बाकी जो ब्रेन के भाग है उससे कनेक्ट, यहां तक कि मेरुदंड से भी होता है कनेक्ट। इट कंट्रोल द अनैच्छिक जो मांसपेशियां होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है, कौन सा, मेडुला। द वंस दैट वर्ड ऑटोमेटिकली सच एज द हार्ट एंड एस्टोमक, मतलब यहां तक कि जो ऑटोमेटिकली जो होता है इसके अंतर्गत जो हृदय और पेट, इसी के तहत नियंत्रित होते हैं मेडुला, इस मेडुला के तहत। देयर आर टू अदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दूसरा जो ना ब्रेन का जो ना दो मेन जो ना मुख्य जो पार्ट महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं वे कौन कौन हो गए, पिटियरी ग्लैंड्स, पिटियरी ग्लैंड्स का मतलब होता है पीयूष ग्रंथि, और दूसरा हो गया हाइपोथेलमस अध चेतक जिसको बोलते हैं, और तो पिटियरी ग्लैंड्स क्या होता है, पिटियरी ग्लैंड इज वेरी स्मॉल, पिटियरी ग्लैंड क्या होता है बहुत ही छोटा होता है, इट इज द साइज ऑफ द पी, यह मटर के साइज का होता है, मटर के साइज क्या होता है पिटियरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथियां। इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, इट प्रोड्यूस एंड रिलीजेज ए हॉर्मोन दैट कंट्रोल आवर ग्रोथ, मतलब इसी के तहत जो ना क्या मुक्त होते हैं, हार्मोन मुक्त होता है जो हमारे ग्रोथ वृद्धि में मदद करता है, पीयूष ग्रंथि क्या करती है हार्मोन का निर्माण करती है। इट ऑल्सो कंट्रोल अदर इंपॉर्टेंट हार्मोन, यहां तक कि दूसरे हार्मोन को भी नियंत्रित रखती है। और हाइपोथेलमस अधाचेतक जो ना जो पार्ट्स हो गए ब्रेन के, ये हाइपोथेलमस कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये हमारे शरीर में जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करता है। व्हेन आवर एनवायरमेंट इज हॉट, जब हमारा वातावरण गर्म होता है वी, तो हम क्या हमारे शरीर से ऑटोमेटिकली क्या होता है पसीना निकलता है, एज वी स्वीट एवोपरेट, जैसे यह जो है पसीना क्या होता है निकलता बनता है, आवर बॉडी कूल डाउन, हमारा शरीर क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है। इसी तरह से इफ द बॉडी इज टू कोल्ड, जब हमारा शरीर जो ना ठंडा होता है, द हाइपोथैलेमस इंस्ट्रक्ट द बॉडी टू शिवर
एंड दस वार्म इट, मतलब इसके तहत हम ज्यादा ठंडा बढ़ने पर क्या हम लोग महसूस करते हैं, ठंडा पर यानी कपकपी लगना शुरू हो जाता है। दस वार्म सीट अप, इसको गर्म करने का काम यस देने का काम करता है, यानी कि तो एक्सप्लोर में आप लोग को जो दिया गया है इसको जो ना करना है, टू अंडरस्टैंड आवर माइंड, अपने दिमाग से हम अपने दिमाग अपने माइंड से इसको समझे और ब्रेन एंड हाउ इट फंक्शन, कैसे ये कार्य करता है, इसके लिए कुछ मटेरियल की आवश्यकता है। कौन कौन मटेरियल? पेंसिल, पेपर और एन एम्प्टी बॉल की बॉल कटोरा की जरूरत है। द वर्ड इन द बॉक्स, कुछ वर्ड दिए गए हैं बॉक्स में, तो आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। बैलेंसिंग है, स्निपिंग है, टेस्टिंग है, टचिंग है, हियरिंग, कैरिंग, लाफिंग, स्मेलिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम, ड्रिंकिंग, ब्रीथिंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड स्पीकिंग। इससे क्या करना है, इस मेथड को करने के लिए फोल्ड द शीट्स ऑफ पेपर एंड प्लेस देम इन द बॉल, उसको बॉल में रखना। डिवाइड द क्लास इन टू टू टीम, डिवाइड द क्लास इन टू टू टीम, ए और बी ग्रुप में बांट देना है। ईच टीम विल टेक टर्न्स टू पिक आउट टू सीक फ्रॉम द बॉल एंड देन एक्ट ऑफ द वर्ड। द टीम मेंबर्स गेसेस एंड राइट द वर्ड द बोर्ड बोर्ड, रिपीट द गेम्स अंटिल ऑल द वर्ड्स हैव द आइडेंटिफाइड करेक्टली। मतलब ए और बी में इसको पार्ट देना है, और पार्टना ये है कि कौन कौन से दोनों ब्रेन का जो पार्ट्स होता है किस किस अंग में ये डिवाइड काम करता है। अब हम मेरुदंड के बारे में पढ़ेंगे, मेरुदंड स्पाइनल कोड के बारे में। देयर स्पाइनल कोड इज ए थिक बंडल ऑफ नर्व्स, ये दोनों तंत्रिका का जो ना एक गठर माना जाता है। तंत्रिका मेरुदंड स्पाइनल कोड का मतलब होता है मेरुदंड, स्पाइनल कोड इज ए थिक बंडल ऑफ नर्वस, यह तंत्रिका का एक गठर होता है। कनेक्टेड द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाकी भी पार्ट्स और ब्रेन में से भी कनेक्ट होता है। इट इज प्रोटेक्ट बाय द स्पाइनल कोलुमन, यह सुरक्षित होता है किसके द्वारा? रीढ़ की हड्डियों के द्वारा, बैकबोन के द्वारा, यह सुरक्षित, विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, जो कि सुरक्षा करता है मेरुदंड का फ्रॉम, मतलब किसी प्रकार का बाहरी जो है ना अगर डैमेज, बाहरी जो कोई भी घटना घटता है उस थोड़ो मतलब उससे थोड़ा होता है तो यह बचाने का काम मेरुदंड करता है। यह इसलिए जो है ना दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस पेरिफेरल्स नर्वस सिस्टम ऑफ लेक्चर सेकेंड।